वेलकम पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग साइट वर्ड्स क्या होता है और उनके क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो साइट वर्ड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले साइट वर्ड्स बेसिकली उन वर्ड्स को कहा जाता है जो इंग्लिश बुक में बहुत बार ज़्यादा अपीयर होते हैं, ज़्यादा दिखते हैं। सो साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग। दे आर हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब बहुत बार यूज किए जाने वाले वर्ड होते हैं। सो रीडिंग में, राइटिंग में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो है इज द, एन, एट, ये साइट वर्ड्स होते हैं। तो साइट वर्ड्स दे हेल्प रीडिंग फ्लो। जब बच्चा रीडिंग स्टार्ट करता है, सीखता है, तो साइट वर्ड्स और फोनिक साउंड आता है तभी वो अच्छे से रीड कर सकता है। ए से स्टार्ट होने वाले साइट वर्ड्स ए, एन, एट, अबाउट, ऑल, आफ्टर। बी से बी, बट, बिग, बाय, ब्लू। तो इस तरह की साइट वर्ड्स हैं जो आपको, छोटे छोटे साइट वर्ड्स वैसे तो बहुत होते हैं, बट यहाँ पे यूकेजी 1-2 के बच्चों को आप इस तरह के साइट वर्ड्स स्टार्ट करा सकती हैं सिखाना, ताकि वो जब रीडिंग स्टार्ट करता है सीखना तो काफ़ी हेल्पफुल होता है उनके लिए। इफ, इट, इन इज आई से शुरू होने वाले साइट वर्ड्स होते हैं। इस तरह से लिटिल, लुक, एल से, तो ए से जेड तक के मैंने यहाँ पे साइट वर्ड्स बनाए हुए हैं, जो कि आप बच्चों को स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर राइट डाउन करके नोटबुक पे उन्हें याद करा सकती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीक में एटलीस्ट 3-4 साइट वर्ड्स लेने हैं आपको और उनसे शॉर्ट एंड स्मॉल सेंटेंसेस बनाना है। तो उसके बाद बच्चों को रीडिंग स्टार्ट कराना है, उनकी प्रैक्टिस करवानी है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई भी आप 3-4 साइट वर्ड्स चूज कर ले, और थोड़ा सा आपको टाइम निकालना होगा, टाइम देना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट कराना मतलब कि सिखाना बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं बच्चों के। इसके लिए फोनिक, साइट वर्ड्स, बहुत सारे चीज़ें आना जरूरी होता है, तभी वो पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे कि बच्चों को किस तरह से रीडिंग स्टार्ट कराना है, उन्हें सिखाना किस तरह से बच्चा रीड करना सीखे, उसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले द, ए, आई, एंड, एट, ये 5 साइट वर्ड्स लिए हैं। और यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस बनाए, आई हिट अ बॉल। जब बच्चा पढ़ेगा आई, आपने उन्हें याद करा दिया, आई और ए साइट वर्ड है, वो देख कर ही पहचान लेंगे। फिर आई और ये तो उन्हें पहले से आता है, फिर फोनिक साउंड से हिट पढ़ लेंगे। ह, ई, ट, एच का फोनिक साउंड होता है ह, आई, ई, ट, टी के लिए, तो आई हिट अ पहले से पता है, तो इस तरह से ब, ऑल, बॉल, तो ये सेंटेंस वो कंप्लीटली पढ़ लेगा फोनिक साउंड एंड साइट वर्ड्स की हेल्प से। नेक्स्ट द कैट एंड डॉग सैट। यहाँ पे बच्चे को द और एंड साइट वर्ड्स है, देख के समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे। फिर क, ए, ट, कैट, ड, ऑग, डॉग, फोनिक साउंड से उन्हें पता है, तो वो ये सेंटेंस भी पढ़ लेंगे, द कैट एंड डॉग सैट। तो इस तरह के आपको ऐसे छोटे और सिंपल सेंटेंसेस देना है, ज़्यादा हैवी नहीं देना है बच्चों को, क्योंकि उन्होंने रीडिंग स्टार्ट करनी शुरू की है सीखना, तो बेसिकली हम छोटे और सिंपल सेंटेंस देंगे। अब नेक्स्ट विक, अवे, बिग, ब्लू, कैट, इस तरह से कोई भी 4 या 5 आप चूज कर ले। आई रैन अवे, यहाँ बच्चा आसानी से पढ़ लेगा, अवे आपने बताया उन्हें साइट वर्ड। आपको यहाँ पे बच्चों को मेमोराइज कराना होगा कुछ साइट वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे फोनिक नहीं लागू होता है, तो मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ साइट वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे फोनिक साउंड का रूल नहीं लागू होता, जैसे कि द में टी को ट, एच के लिए ह, ई के लिए ए साउंड, फोनिक साउंड होता है, जो कि साइट वर्ड में इसे द पढ़ा जाता है। सो यहाँ पे आपको उन्हें लर्न कराना होगा, मेमोराइज कराना होगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ाना होगा, तो उन्हें शॉर्ट से सिंपल सेंटेंसेस ही दे, ताकि बच्चा आसानी से इंटरेस्ट के साथ रीड करना स्टार्ट करे और लिखने की भी साथ में प्रैक्टिस करवाए। एवरी वीक आपको एटलीस्ट 3-4 साइट वर्ड्स लेने हैं और उनसे बच्चों को रीडिंग स्टार्ट करवानी है, सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेज
बना के। होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अगर लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा और पेरेंट्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।